अपने जीवन अमोलक घड़ियां नूं तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणा कमल में लगा के सफलियाकरण की खेचला जानी कृपालता कर तन ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह जी के चरणों में लाइए विचार करिए असी तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ कर की रहे हाँ सानू करना की चाहिदा है। सत्संग साड़ी जिंदगी का मुख प्रयोजन उद्देश कह लो मुद्दा कह लो मान तन धारण करके मनुखा दे विच आ करके सिर्फ ते सिर्फ वहरू परमेश्वर का भजन है वहरू का नाम है वहरू का सिमरन है। असी इत्थे रहण वास्ते नहीं आए इत्थे बहण वास्ते नहीं आए असी इत्थों चलिया जाना है। गुरु की संगत अज तो करीब करीब 550 साल पहला निरंकार ने परमेश्वर ने
अपने आप नूं गुरु नानक रूप विच प्रगट करके नौ खंड धरती सत्तां दीपां दा चक्कर लगा के परमेश्वर तो भुली परमेश्वर तो भुली भटकी लुकाई नूं परमेश्वर चरणां नाल जोड़िया। आवि दा प्रयोजन ही संसार दा उधार करना सी। कदे राजे आंदे कदे राणे आंदे कदे अमीर आंदे कदे गरीबां दे करे जाके परमेश्वर तो भुले भटके लोगों परमेश्वर चरणां नाल जोड़िया। गुरु की संगत गुरमुख गाड़ी राह चलाया सौखा ते सखाला मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु की संग सेवा सिमर नूं पहल दित्ती। सेवा जिहड़ी उह मन नूं शुद्ध करदी है जिवें मैले कपड़े दे उत्ते रंग देना होवे। गुरु की संगत मैले कपड़े ते कदी रंग चढ़िया नहीं करता। जे मैले कपड़े ललारी दे कोल लै जाओ ललारी है जिहड़ा उस मैले कपड़े चला के परे मारदा कहिंदा पहले धो के लैके आ साफ करके आ तां रंग चढ़ेगा। जिहड़ी सतसंग जी जिवें मैले कपड़े ते रंग नहीं चढ़दा वे मैले मन ते जिहड़ा मैला मन है शुद्ध मन वैरू दे भजन च नहीं जुड़िया करदा। जिवें मैले कपड़े नूं साफ करन वास्ते साबण दी लोड़ है। गुरु की संग जदों मैले कपड़े नूं साफ करके लै जाइए ललारी जिहड़ा रंग दिंदा ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖੜੇ ਦੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਾਈ। ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ मेरे प्यारे सेवा करके मान पाई दे जी वाह 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 सेवा करके मान पाई दे। ਵਾਹ 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 ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਵਾਹ 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 ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ।
विच दुनिया सेवक कमाइए तंदर के बैसण पाइए जोगियां ने नाथा ने सिद्ध पुरशा ने गुरु की संगत इन्होंने वहम पा दिते सन भुलेखे पा दिते सन कि गिरस्त जीवन दे विच वैरू दा भजन नहीं किया जा सकता। कह दो वाहिगुरु दुनिया विच रह के परमेश्वर दा भजन नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने संसार दे भले वास्ते गुरु नानक को गृहस्थी थोड़ा सी कह दो वाहिगुरु गुरु नानक ने भला किहदा नाम जपना सी गुरु नानक रब सी गुरु नानक परमेश्वर सी। परमेश्वर ने दुनिया दे विच आके जिवें एक टीचर बच्चों नूं पढ़ाउंदा मास्टर पढ़िया हुंदा बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते मास्टर नूं हत्थ विच चाक भी फड़ना पैंदा किताब भी खोलनी पैंदी है मास्टर नूं बोलना भी पैंदा। जिवें कोई मिलटरी दा सूबेदार है नवें भर्ती होए रंगरूटां नूं ट्रेनिंग देण वास्ते उहनूं सास बंदूक दे विच किवें कारतूस भरी दे ने किवें खाली करी दी है किवें गुरु की संगत माफ करना परेड करी दी परेड सिखाउंदा है सूबेदार सिक्ख्या सिखाया हुंदा है। इस तरह गुरु की संगत गुरु नानक ने भला किहदा नाम जपना सी दुनिया नूं गुरु की संगत धर्म दे राह ते तोरन वास्ते गुरु बाबे ने लोकां नूं करके दिखाया। जब लग दुनिया रही है बाबा जब लग दुनिया रही है जब लग दुनिया रही है बाबा जब लग दुनिया रही है जब लग दुनिया रही है बाबा जब लग दुनिया रही है जब लग दुनिया रही है बाबा जब लग दुनिया रही है ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕੀ 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 ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ जब लग दुनिया रही है बाबा जब लग दुनिया रही है जब लग दुनिया रही है जब लग दुनिया रही है बाबा जब लग दुनिया रही है नानक की सुनिए किस कही है जे सुनिए तो बाणी जे कहीए तो बाणी की गल जे करिए तो नाम की गल जे सुनिए तो नाम की गल। बाबा जी जदों समेर पर्बत ते गए सिद्ध गुरु बाबे की 35 साल की उम्र सी कलयुग की मार तो डरदे ये जितने भी सिद्ध सन सिद्ध पुरश सन सारे पहाड़ों के उत्ते जाके चढ़ के बैठ गए सन जितने भी देवी देवत्या के मंदिर तुम्हें मिलने ये वक्री गल है कि लोगों ने मैदानी खेतर में भी बना दते हैं जिन्हें भी देवी देवत्या के मंदिर मिलने तो पहाड़ों पर मिलने कलयुग की मार तो डरदियाँ डरते देवी देवते पहाड़ों पर चढ़ के भाई गुरदास जी फरमाते हैं अपनी वारा में सत संगत जी
ਸੰਮੇ ਸਾਧ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨਾ ਕੁਰਿਆ ਜੱਗ ਤੇ ਜੀ ਸੰਮੇ ਸਾਧੂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਾ ਕੁਰਿਆ ਜੱਗ ਤੇ ਸੰਮੇ ਸਾਧ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਨਾ साधु न क्रिया जग साधु पिया कोई साधु न क्रिया जग ते समय पाप तू ਸਮੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਗਮੈਂ ਦੱਸਾ ਕੋਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ, ਬਾਲਕਾ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਗੇ ਕਿਨ ਬਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ, ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਕਰ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਕੰਨ ਪਾੜੋ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਤਮੁੰਦਰਾ ਪਾਲੋ, ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਵੇ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਤਮੁੰਦਰਾ ਪਾਲ, ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ Thank you.
बनन का जीतन पारकत मुंगुरा चौकी हो जा बाबा नान का कन्न पाड़ के मुंदरां पहनो ते जोग मत नूं धारण करो। गुरु साहिब लगे कहण सिद्धो सी मुंदरां पाईआं हन पर कन्न पाड़ पाड़ के मुंदरां नहीं पाईआं। मुंदा संतोख सबर संतोख दे विच रहना संतोख रूपी मुंदरां धारण कीतीआं। मुंदा संतोख शर्म पत फिर इन्हां क्या मर फिर झोली धारण कर लो। अड़ी बगली गुरु की संगत पा के आम मंगते मंगते हैं आख्या इंज करो फिर झोली धारण कर लो। गुरु साहब लगे कहना सी झोली भी धारण की। मुंदा संतोख शर्म पद झोली माड़े कर्मां तो बच शर्म करनी बच के रहना झोली धारण की है। मुंदा संतोख शर्म पद झोली ध्यान की करे बभूत फिर वह स्वाह मलते हैं। अस्वाह मल लो शरीत बभूति मल लो मरिया बभूति नहीं स्वा एक घट 84 लख जूनिया का बादशाह मनुखा जन्म सवाह खे मल के बर्बाद करने वास्ते नहीं मिलिया। असी तो परमेश्वर के चरणों में ध्यान जोड़ना ध्यान जोड़न रूपी भभूति मिली हुई है। मुंदा संतोख शर्म पद झोली ध्यान की करै भभूत खिंता काल कुमारी काया एड़ा शरीर है 84 लख जूनिया का बादशाह खिंता काल कुमारी काया ये लगे कन फिर जिमें आप जानते हों सन्यासी मध्य महात्मा ने जोड़े वह कई भंग घोड़ घोड़ के पी जाएंगे शरदाइया घोड़ घोड़ के वेद भंग पागे धतूरा पागे ऐं फिर उन्होंने डंडे ना रगड़िया जाता ऐं करो फिर डंडा हाथ च फड़ लो। तो उस मौके गुरु साहब लगे कहना असी यह डंडा नहीं फड़िया। अभी डंडा किड़ा फड़िया असी मन रूपी गुरु की संगत मन रूपी जोड़ा साड़ा मन है इन रोकण वास्ते जुगती का डंडा फड़िया जरा इन जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती कहने साडा पंत गुरु साहब लगे कहने तुहाडा पंत मैनू फिट नहीं है। फिर इन्हें पूछया फिर बालका तुहाडा पंथ केड़ा गुरु साहब लगे कहने मेरा पंथ कन्न च मुंदरां पाउणियां ने कह दिओ वाहिगुरु मेरा पंथ झोली गल च बगली पा के झोली पा के घर घर मंगना नहीं मेरा पंथ शरीर ते सवाह मलनी नहीं मेरा पंथ आ भंगा शरदाइया घोट घोट के पीणिया नहीं मेरा पंथ तो मन बैरी नू जिन्हां ने जितिया उन्हां ने सारा जग जितिया जी। मन बैरी नू जिन्हां ने सारा जग जितिया ओ मन बैरी नू जिन्हां ने जग जीती है जी मन वैरी ने उन्होंने पर जग जीती है मन वैरी ने गुरु प्यारे उन्होंने
सारा जग जितिया जी बाबा बाबा उन्होंने सारा जग जितिया उन्होंने सारा जग जितिया जी बाबा बाबा उन्होंने सारा जग जितिया पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत फिर 84 सिद्ध सन इन्हां दे वखो वख सवाल सन कह दे वाहिगुरु 35 वरे दी गुरु नानक जी दी उम्र जिस जमाने च गुरु नानक आया गल चलदे चलदे चल पई योग भगंदर नाथ वर्गे जोगी ने सवाल किया तुसी गृहस्थी हो कि तुसी साडी तरह विरक्त हो जोगी हो गुरु बाबा जी कहन लगे असी ग्रिस्त दे विच असी निर्लेप हाँ उस मौके इन्हें भगंदर नाथ वर्गे घुग्गू नाथ वर्गे जिन्हें भी योगी सन इन्हें सवाल किया भी ग्रिस्त दे विच किवें परमेश्वर का भजन जपया जा सकता है माफ करना उस मौके गुरु साहब लगे कहन जैसे जल में कमल निरालम एक कमल फुल हुंदा जिन्हें पिंडां दे लोकी कमी का फुल भी कह दिंदे ने वो कमल फुल है जिहड़ा टोबिया विच दरियावां दे नदियां दे कंढियां ते हुंदा ओड़ा कमल फुल है उहदियां जिहड़ियां जड़ां ने पानी च जिन्नी बरसात पैंदी है वह कमल फुल पानी तो उहनां बाहर हुंदा जांदा गुरु साहब लगे कहना सी शरीर करके भावें ग्रिस्त च हाँ ग्रिस्ती लोगों नूं उपदेश देण वास्ते रब ने गुरु नानक रूप विच प्रगट किया अपने आप नूं भी तुसीं ऐं कम कर सकदे हो ऐं भजन कर सकदे हो कह दे वाहिगुरू आप करके दस्या भी ऐं कर सकदे हो तुसीं तुसी कीर्तन भी कर सकते हो तुसी सिमरन भी कर सकते हो तुसी रब नूं मिल सकते हो तुसी सेवा कर सकते हो तो उस मौके आख्या कि जिवें वह कमल फुल उहदियां जड़ां पानी च हन वह कमल फुल पानी तो बाहर है जिवें एक मुरगाबी नां दा पंछी हुंदा जिहड़ा मुरगी दे चूचे जिन्ना हुंदा काले रंग दा तुसी देखिया होणा पानी दे उत्ते दौड़ा फिरदा उहड़ा मुरगाबी है उहदे जिहड़े पैर ने ਉਹ ਮੁਰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਧੜ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ ਜਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹਰ ਜੈਸਾ ਹਰ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜਾ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਗ੍ਰਿਸਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਈਰਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਛ ਜੀ ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥਾ ਭਗੰਦਰ ਨਾਥਾ ਤੂੰ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਜੀ ਤੇਰੀ
ਕਾਫਲਾ ਕੁਜਦੀ ਤੇਰੀ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਮਹਿ ਤੂੰ ਜੱਦੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ रहो विचार औरत की कुख तो जन्म लेके घुगू नाथ जी भगंदर नाथ जी तुसी औरत जाति की निंदा करते हो तुसी ग्रिस्तियां नू माड़े दसते हो ग्रिस्तियां दे घर रोटियां मंगण जांदे हो घर घर खाया पिंड वधाया कबीर जी की बाणी आउंदी है खैर उस मौके गुरु की संगत गुरु साहब लगे कहण ये बाणी उत्थे उच्चारण की सी भंड जमी है भंड निमी है भंड मंगण व्याहो भंडो होवे दोस्ती भंडो चला रहो सारी सृष्टि का राह ये औरतों की कुख तो चलिया है बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े गुरु पीर पैगंबर अवतार बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु साहब ने ये उस मौके ये बाणी उच्चारण करते दस्या सी शब्द बहुत लंबा है पंड मूआ पंड पाली है पंड हो बंदान गुरु साहब लगे सो क्यों मंदा आखी है मूर्ख जड़ी जन्म राजियां नू देवे ओनू कानू मंदा आखी है जी जड़ी जन्म राजियां ओनू कानू मंदा आखी है जड़ी जन्म राजियां खैर बड़ी विचार वटांदरा होया खीर सिद्धां दी पेशना गई अनक तपस्या करे हंकार सिद्धां ने इनियां शक्तियां सन सिद्धां दे कोल किते अगां ला दित्तियां मरदाना कहिंदा बाबा जी की करी जांदे हन गुरु साहिब लगे कर मरदानियां जिहड़ी थोड़ी बहुती तपस्या की थोड़ा बहुता परमेश्वर का भजन करके जो शक्ति इकट्ठी की उन्हें बर्बाद कर रहे हैं सिद्धां ने नजर मारिया सासन दरख्त हैं जड़े जड़ां तो पट पट के आकाश दे विच उड़ा दिते माफ करना बाबा जी देखी जाते हैं किधरे अग दियां हनेरियां हनेरियां आ रही ने अग वरदी आ रही है एहो एहो जानू जाके गुरु नानक जी ने धर्म का उपदेश दिता तो जदों सस हनेरियां इहो जिहियां आ रही मरदाना पैपीत हो गया लगा कर बाबा जी ये सिद्ध की करी जाते हैं गुरुदेव लगे कर मरदाना तू डर नहीं तेरे सिर ते डाढ़े दा हत्थ है कर करदे करदे गुरु की संगत ने आकाश वाली झाती मारी सस बारिशें शुरू कर दतियां गड़े वग रहे ने गड़े पै रहे ने ओलेज नूं कह दिंदे ने पर जिते गुरु बाबा भाई बाला मरदाना बैठे उत्थे तां जाणदे सवाल ही पैदा नहीं सी ये सब कुछ वेख के ना जदों सिद्धां दी पेशना गई गुरु साहब नूं लगे कहण भी आ जाओ फड़ लो फिर सानूं सस समेत शरीर 84 सिद्ध सन जड़े अगों झाती मार लो जे गुरु नानक ना हुंदा अज आपां ने गुरबाणी कित्थे पढ़िया करनी सी अज आपां भजन कित्थे करिया करना सी गुरु नानक ने सौखा राह दस्या कि कोई माई कोई भाई कोई ग्रिस्त विच कोई विरक्त पुणे च कोई किसे तरीके नाल बाणी पढ़ के सतसंगत करके अपने जन्म नूं सफल कर लैंदे तां इहड़े 84 सिद्ध सन बाबा जी ने कहने आओ फड़ लो बाबा जी कहने की गल 84 सिद्ध ए उड पे तो जो पंछी उड़ते हैं मरदाना देखता भी चौंकड़े लगे सिद्ध उड़े जा रहे उस मौके मरदाने ने आख्या बाबा जी तो बड़े बड़े नोखे कौतक कर रहे बाबा जी कहने कोई नहीं फिर मरदाना होने इन्होंने थले लाते इंज नहीं बनना इन्होंने बंदे सियाने की कहावत है डंडा पीर है विगड़िया तिगड़िया आंदा
उस मौके गुरु नानक जी ने अपने सज्जे चरण की खड़ान छड़ी, सज्जे चरण की खड़ाऊ गुरु साहब कहते चल बई, इन्हों सार थले ला के लिया। और खड़ा जो गुरु नानक साहब जी सिद्ध उडे सन उमें फिर गुरु बाबे की खड़ाऊ उड़ी, खड़ाऊ और दाड़ दाड़ बजती किसी के पिठ से, किसी के बूथे से, किसी नासा से। गुरु की संगत वो जिन्हें 84 सिद्ध सन गुरु नानक जी की खड़ाऊ ने मार कुट के सारे थले लाले। जदों मार कुट के सारे थले लाले ना फिर लगे कण सिद्ध वड़ी है कमाई तेरी, वड़ी है कमाई, वड़ी है कमाई तेरी, वड़ी है कमाई, वड़ी है बड़ी है कमाई तेरी, बड़ी है कमाई। तेरी बड़ी है कमाई, तन नानक तेरी बड़ी कमाई। बाबे जितली सिद्धांत वाली मंडली शब्दां दे पान मार के, जितली वाली शब्दां दे पान मार के, बाबे जितली सिद्धांत वाली मंडली सतां पाली मंडली शब्दां दे बाण मार, जितली सतां वाली ओ शब्दां दे बाण मार के, मेरे प्यार शब्दां दे पैण मार के जी बाबा बाबा, शब्दां दा पैण मार के शब्दां दा पाण मार के जीव मावा, शब्दां दा पाण मार के बब तुतली तुतली
ਬਾਣੀ ਮੰਡਲੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਸੁਨਾ ਕੀ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਲਾਂਗੀ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲਿਖਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੋਂ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇ ਲਿਖਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇ ਲਿਖਰ ਜਗ ਸੁਤਰ ਤਰੀਆ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਆਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖ ਵਰਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਨੌ ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਰੇ ਦੀ ਆਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਨੌ ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਬੀਤਿਆ ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਸ ਮਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਭੁੱਕੀਆਂ ਜਰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੌ ਸਾਲ ਇਹ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਦਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋ ਵਹਿਰੂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦਗਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਈ ਉਹ ਜੋ ਪੁੜੀਆਂ ਪੁੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੁੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਆ ਗਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ ਉਹ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਪੈਥਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਯੁੱਗ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ
नानक नाम सखाला कल जुग नानक नाम सखाला नानक नाम सखाला कल जुग नानक नाम संभाला नानक नाम सखाला कल जुग नानक नाम सखाला कल जुग नानक नाम सखाला नानक नाम सखाला कल जुग नानक नाम सखाला नानक नाम सुखाला कल जुग नानक नाम सुखाला हां गुरमुख सौखा रस गात कोई धूनिया थोड़िया तौनिया पैदा नहीं कहते वाहरू पुराने महात्मा जलतारे करते धूने तौंदे वहरू वहरू कहने कहते वहरू कोई माई कह सकता है कोई भाई कर सकता है हल बोन वाला कर सकता है ट्रैक्टर चलाने वाला कर सकता है कोई बिजनेसमैन कर सकता है कोई मजदूर कर सकता है कोई हर समय कर सकता है कहते वहरू दुध रिड़कन वाली कोई भैन कर सकती झाड़ू देने समय कर सकता कोई उठ तो बैठ तो सोबत नाम सौखा रस गाता खालसा जी संसार दे पड़े वास्ते कलजुग नानक नाम सखाला सिद्धा ने बेनती की महाराज जीव की कल्याण होवे किवें होवे मैले मन की सफाई किवें होवे प्रमाण देंदे उदाहरण देंदे समझाया सी सिद्धो भरीए हथ पैर तंदे जेकर हथ पैर मिट्टी गर्दे नूं भर गए हन उसकी जिहड़ी सफाई है पानी धोता पुत्र सिखे पानी नाल हो सकती है छोटे छोटे बच्चे नित रोज की दुनिया च देखते हैं मल मूत्र गंदगी नाल कपड़े मैले पार कर देंदे हन मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लई है वो धोए उसकी सफाई है जिहड़ी साबुन की जा सकती सिद्धो जेकर माड़े कर्म करके मत मैली होगी भरी है मत पापा के संग वो तो पहना वै करंग इं समझाया सी मत पापा नाल भर गई नाम नाल धोला नाम धोना मत पापा नाल भर गई नाम नाल धोला नाम नाल धोना परगी नाम नल थोला नाम नल थोला मत पापा नल परगी नाम नल थोला नाम नल थोला उपदेश देंदे समझाया सी अज साइंस का जमाना है रील आ गई कारां बसां गड्डियां आ गई हवाई जहाज आ गए गुरु बाबा जी ने अपनी जिंदगी च जिहड़ा पैदल सफर किया कहदे वहरू 80,000 मील का सफर सी 80,000 मील गुरु नानक जी छाती मार के देख लो कोई बंदा तुर सकता इन्ना 80,000 मील दा पेंडा गुरु बाबा लोगों के घर घर जाके वहरू के नाम नाल जोड़िया पूर्व पछम उत्तर दक्षण
चार उदासियां गुरु बाबा ने, एक उदासी 13 वरे दी सी, गुरु बाबे दी 52 साल की उम्र होगी। पहला चल के गए, जदों अंतम समाया 52 साल की उम्र दे विच सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज फिर करतारपुर साहब की पावन पुत्र धरती ते आए। जिंदगी दे जीवन दे 22 साल हथी हल वाह के गुरु की संगत किरत करनी ते नाम नू जपना मार्ग गुरु नानक ताजी किरत करनी ते नाम नू जपना मार्ग गुरु नानक किरत करनी ते मार्ग गुरु नानक ताजी कीरत करनी नामू मार्ग गुरु नानक बाबा जी दे पिता मैं तो कालू जी बुजुर्ग हो चुके सन। आप जी नूं पता लगा कि नानक खेती करन लग गया, कह दिओ वाह, नानक खेती करन लग गया। लोगों नूं धर्म की किरत करनी, नाम जपना, दसवां दसवंत गुरु कर देना, ये जाच दसी। बाबा जी दे पिता बिरद हो चुके सन, पता लगा मैं तो कालू जी नूं कि नानक खेती करन लग गया। खैर, करतारपुर साहब की धरती ते कत्तक दे दिन सन गुरु नानक साहब जी मोरली हल, सब तो अगे हल जिहड़ी उहनूं मोरली हल कहा जांदा, खल दी जंगी फड़ी सी, खेतां दे विच कणक की बिजाई कर रहे सन। बाबा जी दे पिता बिरद हो चुके सन, आख्या ठहरो नानक। खैर, बजुर्गां दा जो सत्कार करना बनदा, अगे वध के बाबा जी ने अपने बजुर्गों के पैरी हाथ लाते सत्कार किया, और बजुर्गो जी आया किवें दर्शन किए, क्योंकि ननकाणा साहब तलवंडी रायपोए की इतों बड़ी दूर सी। देश की वंड तो बाद पवित्र धरती ननकाणा साहब करतारपुर साहब ये पाकिस्तान चले गए, पर सदा पाकिस्तान च नहीं रहने, समा आएगा सारी दुनिया ते गुरु नानक का झंडा चूरना है सत्संग। खैर, बाबा जी ने हर रोग दे सत्कार किया, बजुर्गों वाला सुभाव, दुनिया भी सुभाव लगे कहन बेटा नानक, जदों मैं कहता सी तू पढ़ लै तू पढ़िया ना, जदों मैं कहता सी तू हट्टी पढ़ लै तू हट्टी ना पाई, दुकान का कम कर लै आपां कतरी हाँ, जदों मैं कहता सी तू नानक खेती कर लै उदों कीती नहीं, अज खेती कर ली। उस मौके उपदेश दिता बेटा पिता जी, जिथे मैं एक तन की खेती की मैं मन की भी खेती की है, तन करके धर्म की किरत करनी, दो कर्मां ने शरीर दे, कह दे वाहिगुरू, कह दे वाहिगुरू, हाथ थोड़ा वाहिगुरू वाहिगुरू कहिंदा, कह दे वाहिगुरू, हाथ सेवा तो कर सकता, कहो वाहिगुरू वाहिगुरू, वाहिगुरू तो मन करके जे जवान करके होना,
खालसा जी पैर थोड़े वहरू वहरू कह सकते हैं, पैरां करके गुरु घर आ सकता, पैरां करके खेतां जा सकता, धर्म की किरत करने वास्ते, कोई मजदूरी करने वास्ते, कोई सर्विस करने वास्ते। इस तरह गुरु की संगत तन करके धर्म की किरत, मन करके परमेश्वर का नाम आख्या सी पिता जी। जिथे मैं तन की खेती की, मन की खेती भी की आख्या नानक, तेरिया बचपन समय वाली गल्लां गईयां ने, किहड़ी खेती की है मन की, आख्या सी ये बाणी उच्चारण करते समझाया पिता जी। मन हाली जिवें शरीर करके, शरीर बलदां दा हाली है, बलदां नूं रोकदा, कहदे वाहिगुरू बलदां नूं तोरदा। इस तरह जिहड़ा मन है ये सुरत नूं तोरदा। मन हाली किरसाणी करनी जिहड़ी वाही है, मैं शुभ कर्मां दी कीती कर किरसाणी करनी। आख्या खेती नूं तां पाणी दित्ता जांदा, कोई पाणी भी दिंदे मन नूं रूपी खेती नूं? आख्या हाँ, किहड़ा पाणी? शर्म पाणी, माड़े कर्मां तों बच के रहना। जिवें कोई कहिंदा गलत काम करदा बंदा फड़िया जाए पाणी पाणी हो जांदा शर्म ना, हाँ शर्म पाणी, शर्म रूपी पाणी दित्ता। शर्म पाणी खेत किहड़ा तुहाडा? तन खेत। मन हाली किरसाणी करनी, मन नूं हाली बनाया, शुभ कर्मां दी करनी खेती। शर्म रूपी पाणी, तन रूपी खेत। मैं तां कालू जी कहिंदे ने बीजिया भी कुछ, कहिंदे बीजिया भी है? आख्या पिता जी बीजिया नाम बीज, इस तन रूपी खेत विच नाम रूपी बीज नूं बीजिया। नाम बीज संतोख सुहागा, संतोख सुहागा, संतोख रूपी सुहागा दिता। पहरावा रख गरीबी विच, जिहड़ा जिमीदारां दा पहरावा हुंदा, कोई पेंटां पा के थोड़ा कद दे विच वड़दा, कोई कद्दू करना कद करना पेंटां पा के थोड़ा करदा, वह गरीबी पहरावे दे विच ही खेतां दे विच जांदा। गुरु बाबे ने आख्या पिता जी मन नूं बना के हाली, फिर दे विच नाम बीज लै, मन बना के तो विच नाम बीज लै, मन नाम बीज लै जी प्यारे, मन नूं बुना के फिर उस नाम बीज लै। इसे धरती ते गुरु नानक जी दे नाल बाबा लहणा जी का मिलाप होया सी। दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जिहड़े गुरु नानक दे चरणी लग के एक दिन गुरु नानक ही बन गए। सावन का महीना है, आपां सारे जानते हैं मोर हन जिहड़े बोलियां बोलते हैं, भैणे सामने आया गुरु बाबा जी खेतों के नदीन कढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी बूंदा बांदी आ रही है, देखो क्या नज़ारा है। भैने सामने आया मोरी रुण चुन लाया, भैने सामने आया मोरी रुण चुन लाया, भैने सामने आया
सुन चुन लाया भैने सामने आया मोरी रुन चुन लाया सावन आया मोरा रुचन लाया भैने सामने आया मोरा रुचन लाया बड़े बड़े कमाइया वाले सिख गुरु नानक जी के चरणों में इतों तक कह लो कि ब्रह्म ज्ञानियों की दुनिया तो भी परे योजे सिख गुरु नानक जी के नाल खेतों के नदीन कढ़ रहे हैं तन करके सेवा मन करके नम जपिए तंदूर हों दुखड़े सेवा करके मन पाई दे जपिए तंदूर हों सेवा करके हाँ खेतों में सेवा गुरु बाबा जी खेतों के दिन दीन कढ़ रहे हैं बाबा लहणा जी बड़े अमीर घराने दे सन जो गुरु नानक जी के दर्शन करने वास्ते आते आओ जी घोड़ी तो सार होके आया करते छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही बारिश पै रही है सौन का महीना है तो बाबा लहणा जी घोड़ी तो थले उतरे चिट्टे दुध वर्गे कपड़े अगे वध के गुरु बाबा जी कुदरती गल है सुभाविक गल है खेतों में कम करना तो हाथ पैर मिट्टी कट्टे ना भारी जाया करते हैं गुरु नानक जी के चरणों में सिर रख के मत्था टेकिया बाबा जी नदीन की पंड सी जिहड़ी घा की पंड सी देखो गुरु बाबे ने किवें दुनिया के लोगों नूं धर्म की किरत करके वंड के छकण का उपदेश दिता सत्संग बाबा लहणा जी नूं लगे कह लहणा जी सर अगे करो वो जिहड़ी नदीन की पंड सी घा की पंड सी झोने की फसल कढ़िया सी होर भी पंडा चक्कण वाले सी भावें और घा की पंड सी बाबा लहणा जी के सिर ते रखती बारिश पै रही सी वो घा सी जिहड़ा उहदे विचों पानी चोरिया है चिट्टे दुध वर्गे कपड़े पानी नूं भरदे जा रहे हैं कुदरती गल है सत्संग बरसात पैंदी होवे खेतों चों नदीन कढ़िया होवे तो वह पानी कुछ मैला होया करता पंड रख के बाबा लहणा जी के सिर ते पातशाह बाबा लहणा जी के नाल तुर पैंदे हन बड़े बड़े कमाइया वाले सिख भावें नाल सन सेवा करते सन ददार करते सन पर मन में सी जड़ी मौज में चरना दे तेरे
ਵਿਤਨਾ ਬਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਨਾ ਬਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਕੱਲੀ ਹੋਮ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਖਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੱਪ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਨੰਗੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੱਕਾ ਬੰਨ ਰਹੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਨੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀ ਐਸੀ ਕਾਲ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾ, ਇਹ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਨ ਲਾਏ ਹਿੱਤ ਪਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ
बड़े बड़े सत्संग जी कमाइया वाले सेवक होंगे, पर कमाई भावें किसी की भी माफ करना एक दू एक होंगे हम, पर सत्संग जी जड़े मैदान आते हैं वह किसी खास से किसी एक ते कृपा होंगी है। सत्संग जी बाबा लहना जी बड़िया बड़िया सख्त कसवटियां चलिया, खैर एक दिन गुरु बाबे ने बंत फड़ के गलन ला के अपना ही रूप दे दिता। सत्संग जी आ बड़े भागम माड़े हो, मैनू कर लंगर बाबा जी मेरे को चले गए, दुनिया बहुत नेरे च बैठी है कि शायद असी किसी ऐश वास्ते घर बार छे हैं। कह दे वह तुहाडे च एक भी जिमीदार खड़ा होकर दसे जिहड़ा 22 घंटे रोज दे कम करदा, 22-22 23-23 घंटे सानू इन्हां दिनां दे विच खेतां दे विच जाण दा मौका मिलिया। एसी गड्डियां जिथे रहिंदे हां उत्थे एसी लगे हैं, और जिथे जाके ठहरना उत्थे एसी लगे ने, और बंदे कदे बंदा यकीन कर सकदा गड्डियां दे विच इस तरह का मौसम होंदा जिवें पोह दा महीना होंदा ऐ ठंड। कई वारी एसी बंद करना पै जांदा कमरियां च एसी, जिन्हां ने हत्थी मोरला हड़वाया 36 वरे हत्थी हलवा के गुरु के लंगरां की सेवा करते रहे। एक समय संगत ने बेनती की, बाबा जी हुण तुसी बिरध हो गए बजुर्ग हो गए, इंज करो हुण तुसी हल ना वाया करो। संगत ने बड़ा जोर पाया, संत ने रोकया ना मन्ने, संगत ना मनी। कह जो संगत ने जोर पाया बाबा जी ने हल वाहना बंद करता। लंगर जिथे कणक की रोटी छकते सन जऊआं की रोटी बना के खानी शुरू करती। संगत ने आख्या बाबा जी तुसी जऊआं की रोटी खानी शुरू करती, कणक की रोटी क्यों नहीं खाते? संत लगे कह जद मैं हुण कम नहीं करता मैं कणक की रोटी क्यों खावां, सारी जिंदगी नमक नहीं खाता अलूणी सब्जी। एक समय संगत ने बेनती की, बाबा जी अलूणी सब्जी छकते आप तुसी नमक नहीं खाते? हाँ कहते ने बा। ज्वाला सिंह हरखोवाली है, हरखोवाल हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट विच पैंदा गढ़ शंकर दे नेड़े, जिन्हों की हल्टी आप चलती सी। बाबा ज्वाला सिंह जी ने जो इशनान करना गुरु की संगत, संगतां दूरों खड़क दे दी होंदियां सीगियां, खूह अपने आप चलता सी। सत्संग जी एडियां एडियां कमाइया दे मालक इस संपर्दा दे विच। बाबा करम सिंह होती मरदान जिन्हां तों 360 ब्रह्म ज्ञानी होया, बाबा साहब सिंह ऊना साहब वाले, बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहब वाले गुरु की संगत, जिन्हां दे जंग दे जिन्हां दे थले घोड़ा जंग दे मैदान च 8 पैर खड़ता सी, अगे पिछे 6 महीने शेरे पंजा महाराजा रणजीत सिंह दा जन्म बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहब वाले महापुरखों के बचना नाल होया सी। एक दू बड़िया बड़िया कमाइया वाले साधु इस संपर्दा दे विच होए। असी कोशिश करते हैं, पता नहीं रब किवें सटी जांदा, सत्संग वत्त सेवा करया करो, भजन करया करो, नाम जपया करो। असी कोई कम थोड़ी करते हैं, कह दे महर असी कोई कम थोड़ी करते हैं, कम तो होंदे ने निजी, सेवा होंदी गुरु घर की। कह दे महर कम तो हैं जिहड़े अपने बच्चों वास्ते किए जा, परिवार वास्ते किए जा, वह कम हैं, ये कम नहीं है, ये तो गुरु घर की सेवा है। किनिया संगत आउंदियां ने जांदियां, बेंत लंगर चलते रहते, कभी लंगरां च भी नहीं गए। बस बाबा जी कहते होंगे सी शेर किसी का मारिया जानवर नहीं खाता, आप शिकार करके खाता, इवें गुरु का सिख है जोड़ा वह आप करके खाता। ये निशोध प्रवान करो। हाँ थोड़े दिन लिए फिर USA के प्रोग्राम हैं, 20-22 दिन का प्रोग्राम है, उदों बाद अगली 10वीं तो आप जी दे फिर दर्शन करांगे। वह तो वह सेवा करया करो, सिमरन करया करो, जो चंगे कर्म आते हैं बंदा सेवा करता, सेवा जरा कर लग गए नाम आपे जपन लग गए। कह दे वह जरा गुरु घर आने लग गया सेवा भी करूँगा और नाम भी जपूगा। कई अभी देखते हैं इतने आते हैं, ये मेला जो बना के तुर जाते, कुल्फियाँ खा के तुर गए, सड़कों पर फिर के तुर गए, आने का फायदा की होया? सत्संग घर के कम भी छेडे, विहार भी छेडे, आ गए इतने मेला जो बना के चले जाते, इवें नहीं गल बननी। आ गए कोई सत्संग संगत दे जूठे बर्तन मांजो, कोई लंगर सेवा करो, तन करके झाड़ू दो पक्खा फिर ही संगत, ये भी सेवा है। पक्खा पानी बाणी दे विच दसना कीता पी सेवक है। Mm-hmm.
लाल जी पानी पखा पीस के घूमे निहाल जी पानी पखा पीस के घूमे निहाल जी निहाल जी पानी पखा होम में निहाल जी पानी पखा पीत के पानी पका 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 पीत के निहाल जी पानी पखा ओवन में निहाल जी पानी पखा पीत के अजय साइंस का जमाना नहीं सी आया पुराने समय घर चक्कियां होंदिया गुरु के लंगर सिख सन जड़े चक्कियां ना आटा पीसते कवहर पानी बिजलियां नहीं सन आईया पखा चलना फिर पानी ढोना अज की तरह ट्यूबवैल नहीं सी आए खूह तो पानी ढोना कह दे वहर हैंड पंप नहीं सन आए फिर अज साइंस का जमाना आ गया देखो उन्हां समयां च जिहड़ियां संगतां गुरु के दीदार करन वास्ते जांदियां एक वारी कहो वाहिगुरू गुरु साहब ने जिहड़े दूरों आउंदे कुदरती गल सीगी गड्डियां नहीं सुनाईयां मोटरां नहीं सुनाईयां कारां नहीं सुनाईयां साइंस दा युग नहीं सी ते जिहड़े सिख दूरों आउंदे सन घोड़ियां ते सवार हो के घोड़ियां दे पेंडां तय करना पैंदा सी जिहड़ियां काबल कंधार दूरों दूर लोक जिहड़े आउंदे गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी बाणी च दस्सिया तुरे जीन खरजीन जिन पर गुरसिख लंघ चढ़ जाते वो घोड़े पवित्र ने कह दे वाहिगुरु देखो किन्नी 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 वड़ियाई दिती है वो घोड़े पवित्र ने किहड़े घोड़े जिहड़े घोड़िया उन्हां घोड़िया दे पईयां काठियां पवित्र ने कह दे वाहिगुरु जिहड़े घोड़िया दीयां काठियां ते बैठ के गुरु दे सिख गुरु दे दर्शन करन वास्ते जांदे हन तुरे जीन खरजीन जिन पर गुरसिख लंघ चढ़ जाते आ स्कूटर गड्डिया भी पवित्र ने कारा भी पवित्र ने जिहड़े दूरों नेड़े तुसीं आउंदे चढ़ के गुरु घर के दर्शन करन वास्ते आउंदे हो गुरु किसन ये भी पवित्र हन आड़ा किराया भाड़ा लाउंदे हो तुहाड़ा लेखे च लगदा कह दे वाहे आड़ा समां घरों कढ के आउंदे हो गुरु घर लाउंदे ये भी तुहाड़ा समां लेखे च लाउंदा इहनूं वध तों वधाओ वध तों वध समां लाओ असीं कहिंदे हुंदे सी बड़ी बड़ी दूर तक कहिंदे रहे तुहानू समा नहीं मिलना वक्त नहीं मिलना बड़ी बड़ी दूर तक कईयों नूं मौका ही नहीं मिलता
हूँ वैसे कोशिश कर दे समझ नहीं आन तो एक एक प्रोग्राम के पिछे जो लखन लख बंदे कह दिए खड़े ने यह भी गल बड़ी मामूली जी होगी। खैर वह तो वह समा गुरु चरणा च लाओ इन्हें शब्द प्रवान करो हूँ हुई भुलों की माफ़ी हूँ गुरु उस तो उत्तर पढ़िया जाएगा अगला प्रम उदों बाद आप जी ने दसिया जाएगा। तन है गुरु नानक साहब जी तन है तन है गुरु अंगद साहब जी तन है तन है तन है गुरु अमृतात जी तन है तंग तंग तन है गुरु रामदास जी तन है तन तन है गुरु अर्जुन साहब जी तन है तन है गुरु हरगोबिंद साहब तन है तन है गुरु श्री हर रसभ तन है तन तन है गुरु श्री हर कृष्ण जी तन है तन है तन है गुरु तेग बहादुर तन है तन तन है गुरु गोबिंद सिंह जी तन है तन है तन तन है गुरु ग्रंथ साहब जी तन है तन है तेरा पंथ खालता तन है सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोला वाहिगुरु 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 बोल वाहिगुरु 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 बोल Thank you.
वाहेगुरु बोल कदना वाहेगुरु बोल कदना डोल वाहेगुरु वाहेगुरु बोल प्यारिया प्यार लगे का बोल प्यारिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल प्यारिया तेरा कश ना लगेगा मोर प्यारिया सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु बोल वाहेगुरु बोल कदे ना वाहेगुरु बोल कदे ना डोल सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु बोल इन्हें शब्द प्रवान करो हर इतवार नूं संत जी महाराज के नाम से एस आई एस अकैडमी है जिहड़ी पेवा हर इतवार उत्थे 10 बजे तो लैके 12 बजे तक गुरमंत्र का जाप हुंदा संगतां दे प्रति बेनती है भी वैसे तो समा नहीं सी 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे कोई छोटे नहीं होंदे सोचिया भी इन्हां दा वातावरण ठीक रहेगा इन्हां दा करैक्टर बचिया रहूगा उत्थे 10 बजे तो लैके 12 बजे तक प्रोग्राम रखिया जिहड़ियां भी संगतां दूरों नेड़े होण जदों इंडिया च तां हर इतवार नूं 10 बजे तो लैके 12 बजे तक एस आई एस अकैडमी संगतां नूं मिल सकदे आ हरी जस समय का फायदा उठाओ वक्त का फायदा उठाओ कोशिश करो जिंदगी का एक एक साह जीवन का एक एक पल सेवा सिमरन में गुजरे करम सवेरे सुभाव बनाओ उठन का सवेरे उठन का सुभाव बनाओ सुभाव ही है भावें सारी सारी रात सुते रहो सुभाव ही है सौन का सुभाव बना लिया चंगा सुभाव बना लो सवेरे अमृत वेले उठ के दो बजे जरूर उठिया करो 3 बजे उठ पो 3-4 बजे उठ पो 2-2.5 घंटे वहरू 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 नहीं कर सकते मूल मंत्र के पाठ कर लो जो अनपढ़ ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त योनि सब गुरु प्रसाद जप आ सच जुगाड़ सच हैप्पी सच नान खुशी सच गो ते बुले शाह अग्ञा सत्संग इन्हों दिनों असी तो भजन करो सिमन करो गुरमुख नामदान इशनान गुरसिख दे 3 कर्म हन गुरमुख नाम दान इशनान अमृत वेले दा इशनान धर्म दी किरत करके 10वां दा दान फिर नाम जपना ए हन सिख दे असूल हुण अरदास होगी।